सबसे पहले ऊपर वाले को थैंक यू बोलते हैं, और साथ में हम थैंक यू बोलते हैं, कोई और नहीं, इस बिजनेस को पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में लेके आए हम सभी के रिस्पेक्टेड सीईओ दत्तू डॉक्टर लीम सिंह जी, साथ में हमारे इंडिया के गुरु पिता गुरु माता, साथ साथ डॉक्टर एस रंजन सर, आप सभी को हम थैंक यू बोलते हैं, और आप लोगों की वजह से आज हम लोगों को ये रास्ता मिला। और साथ में हम उनको नहीं बोलेंगे, हमारे गुरु जो बिहार से हैं, डीएक्शन बिहार आरबीसी के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री प्रियरंजन सर, सर के चरणों में मैं नमन करता हूँ, और साथ में अपने बड़े भैया को, क्योंकि आज मैं जहां भी हूँ, आई एम हियर बिकॉज ऑफ आवर बिग ब्रदर, हम यहाँ हैं तो हमारे बड़े भैया को, जैसे नहीं तो हम किसी दलदल में दबे रहते हैं, तो हम अपने बड़े भैया के चरणों में नमन करते हैं। साथ में पूरे डीएक्शन फैमिली को हम थैंक यू बोलते हैं, और थैंक यू बोलते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक हमको मिला हुआ है बात करने का, इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी इन डीएक्शन, यानी कि डीएक्शन बिजनेस में पीवी का महत्व क्या है। दोस्तों इसको जानने से पहले हम सभी को समझना है कि आज ये जो हमारा मिशन है, हमारे मिशन का उद्देश्य क्या है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, सेहत पैसा और खुशियां। तो सेहत के लिए हमारे पास से वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोगों को रिजल्ट मिलता है। तो सेहत कैसे मिलता है हमको प्रोडक्ट कंज्यूम करने से, सबको, जितने भी अगर आप नए लोग जुड़े हुए हैं तो आपको ये भी समझना है कि डीएक्शन में सबसे पहले हेल्थ मिलता है। तो हेल्थ के लिए हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये तरीका हमको आपको मालूम होता है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट की बात की जाए, वो रेसी गनो टी की बात की जाए, उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में घोल के पीते हैं। स्पिलिना की बात की जाए, उसको हम खोलते हैं, हाथ में लेते हैं, खाते हैं, पानी पीते हैं। इवन यानी कि डीएक्शन के प्रोडक्ट को हाउ टू कंज्यूम, कैसे इस्तेमाल करना है, वो तरीका हमको आपको मालूम है, और वो मालूम होने की वजह से आज जो लोग डीएक्शन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको एक अच्छा सेहत मिल रहा है। तो सेहत कैसे मिल रहा है, प्रोडक्ट खाने से कैसे खाना है, तरीका आपको मालूम है, इस वजह से आपको मिल रहा है। अगर आपको नहीं मालूम होता कि चाय के पानी को कैसे पीना है तो शायद आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो सेम ऐसे दोस्तों, दूसरा हमारा जो डीएक्शन का कह सकते हैं मिशन का उद्देश्य है पैसा, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो स्वास्थ्य के लिए प्रोडक्ट बेस्ट है, पैसा कैसे आता है डीएक्शन में वो हमको आपको मालूम होना चाहिए, अगर है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो मालूम होना चाहिए, पैसा हमको आता है डीएक्शन में पीवी से, है ना। तो पीवी को समझना है, पीवी क्या चीज है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके बदले हमें पॉइंट ऑफ वैल्यू, पीवी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ वैल्यू, है ना, हर प्रोडक्ट पर पॉइंट सेट है। बस इसको इतना ही समझना है कि जैसे गाड़ी अच्छे से सर्विसिंग सब कुछ हो जाए, अगर इसमें आप फ्यूल यानी कि पेट्रोल नहीं डालते हैं, है ना, फोर व्हीलर कार उसमें पेट्रोल या डीजल नहीं डालते हैं तो 1 इंच वो गाड़ी नहीं आगे खिसके की, जस्ट लाइट व्हीकल। ऐसे ही हमारा डीएक्शन है, आप कितना भी अच्छे से बात करें, कितनी अच्छे से मीटिंग करें, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा सेमिनार अटेंड कर ले, बट अगर पीवी के गेम को अगर आप नहीं समझ पाई या नहीं समझ पाए तो सारा मामला गड़बड़ है, सारा खेल इसी का है, इसी से सब कुछ होगा। ये ठीक है तो सब ठीक है, और केवल ठीक नहीं है बल्कि सारे लोग इसी की ही वजह से आज जिंदगी को मजे के साथ जी रहे हैं। और हमेशा याद रखना है आप सबको, हमको भी, आज डीएक्शन बिजनेस शंकाओं क्या खेल है, यानी कि नंबर ऑफ गेम, कैसा खेल है, नंबर ऑफ गेम यानी कि संख्या का खेल है, जितना ज्यादा आपके टीम में संख्या बढ़ेगी और उनके संख्या बढ़ने के साथ साथ उनके आईडी पर पीवी की संख्या जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारा आपका इनकम आएगा। अब एक मैं आपसे बात शेयर करता हूं, एक नाम के दोस्तों दुनिया में बहुत लोग हो सकते हैं, यानी कि जैसे मेरा नाम अमरदीप मांझी है, हो सकता है मेरे नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है ना अदर स्टेट में, अदर कंट्री में हो, लेकिन याद रखना है आपको भी मुझे भी कि जो मेरा आईडी नंबर है, यानी कि 099 से मेरा आईडी नंबर है, आपका भी होगा 99 से, इवन जैसे भी होगा, मेरा डीएक्शन आईडी नंबर यूनिक है जो किसी से मिलता जुलता नहीं है, है ना, यानी कि मेरा पहचान मेरे आईडी से है। दोस्तों आप इस मिशन में, आपका पहचान किससे है, आपके आईडी नंबर से, आपके आईडी पर आप अगर इस मिशन में ट्रिपल डायमंड है, यानी कि आपका पहचान, है ना, वो केवल पद से नहीं है, उस आईडी नंबर से जो आपका इनकम आ रहा है, जो स्टेटस हो रहा है, उससे आपका पहचान है, आपका नाम से आपका पहचान डीएक्शन में नहीं है। तो सभी लोगों का अपना पर्सनल आईडी नंबर हो, आपका पहचान डीएक्शन में, मैं अमरदीप माझी हूं तो मेरे नाम से मेरा पहचान नहीं, मेरे कोड पर मेरा काम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मेरे आईडी पर, मेरे आईडी नंबर पर मेरा काम हो रहा है, मेरा पीवी ग्रोथ हो रहा है। तो आज मुझे इस ऑनलाइन वेबिनार पर मुझे एज ए स्पीकर सेलेक्ट किया है, मुझे बोलने का अवसर मिला, अगर इस आईडी नंबर पर कोई भी बिजनेस नहीं होता तो शायद हमें यहाँ इनवाइट भी नहीं किया जाता। तो इसको याद रखना है ना, सबका डिफरेंट डिफरेंट आईडी है ना, यानी कि आपका बिजनेस की पहचान भी संख्या है जिसका नाम क्या है, पीवी है ना, आपका डीएक्शन बिजनेस की पहचान भी क्या है, संख्या है, और उसका नाम क्या है, पीवी, है ना। डीएक्शन में कामयाब होने के लिए दोस्तों आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा।
क्या चीज, सिस्टम, क्योंकि हर चीज नियम से चलता है ना। नियम आपको एक ही चीज समझना है ना, ए रोड होता है ना, रोड सड़क है ना, जिस पर गाड़ियां चलती हैं। आप जरा सोचिए अपने दिमाग से, रोड होता है और रोड पर एक ट्रक चलता है, और ट्रक के लिए कितना चौड़ा चौड़ा रोड होता है, होता कि नहीं होता है, यस और नो? आप बोलेंगे यस। तो एक रोड पर ट्रक चलने के लिए अगर इतना बड़ा रोड होता है, तो दोस्तों एक ट्रेन के चलने के लिए रोड नहीं, रोडा होना चाहिए। बात को समझिएगा मेरा, रोड नहीं रोडा होना चाहिए, पर दोस्तों रोडा नहीं होता है। दो पतली पतली लोहे की इंगल होती है, और वो ट्रेन लखनऊ से मुंबई तक चली जाती है, वो ट्रेन लखनऊ से दिल्ली तक चली जाती है, वो ट्रेन लखनऊ से वेस्ट बंगाल तक चली जाती है। तो इसको याद रखना है, इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, तो आपको हर हाल में सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम आप कितना फॉलो कर रहे हैं, इसको दिखाने वाला मीटर क्या है, वो है पीवी ना। जब हम आप बाइक चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, तो अब जब हम है ना तीसरा गियर चौथा गियर है ना लगाते हैं, तो गाड़ी बहुत स्पीड में चलती है, तो उसमें ना क्या स्पीडोमीटर है ना, उसमें रहता कि 80 के स्पीड में, 100 के स्पीड में, 150 के स्पीड में ना, 180 190 के स्पीड में गाड़ी चलती है, तो वो उससे पता चलता है, यानी कि गाड़ी में है ना मीटर लगा होता है, उससे पता चलता है कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। ऐसे दोस्तों आपकी हमारी डीएक्शन रूपी गाड़ी कितने स्पीड में चल रही है, ये कहां से पता चलता है, पता चलता है पीवी से, है ना। पीवी ही पीवी से पता चलता है कि आपकी स्पीड क्या है। पीवी में जो हमें जरूर देखना चाहिए दोस्तों है ना, पॉइंट वैल्यू, यानी कि पीवी में हमें क्या देखना चाहिए, सबसे पहला चीज, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं, आप नए हो चाहे पुराने हो, आप ध्यान से, पुराने लोगों को तो बहुत कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी आपको समझना है पीवी में हमें क्या चीज देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितना पीवी आ रहा है और कितने लाइन से आ रहा है, कितना आ रहा है इसका मतलब वॉल्यूम कितना पीवी है ना, कितना संख्या आ रहा है, यानी कि 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, ये संख्या के साथ साथ आपको ये भी देखना है स्ट्रक्चर कितने लाइन से आ रहा है, एक दूसरे के नीचे एक लाइन, दो लाइन, ऐसे एक ही लाइन से 10 लाख, 15 लाख पीवी आ रहा है, ओके वेरी गुड। लेकिन वो पीवी है ना आपको स्ट्रक्चर से भी देखना कि वो पीवी क्या एक ही लाइन से आ रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट लाइन से आ रहा है, यानी कि आपको वॉल्यूम और स्ट्रक्चर दोनों देखना है। बहुत सारे लोग मेरे बात को आज सुन रहे हैं, आज उनका हो सकता है एक लाइन चल रहा हो, सकता है आपका दो लाइन चल रहा हो, है ना। तो आपको ही दो लाइन चलने के साथ साथ आपको देखना कि मेरी तीसरी लाइन आप कैसे चले, चौथी लाइन कैसे चले, यानी कि स्ट्रक्चर से पीवी कैसे है, ये आपको देखना है। क्योंकि पीवी से आपका क्या होता है, प्रमोशन होता है, याद रखना है पीवी से आपका प्रमोशन होता है। लेकिन पीवी के साथ एक चीज और है, वो सेल्फ वैल्यू है। जब भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, जितना हमारा पीवी होता है उससे कहीं इंक्रीज होकर के, यानी कि ज्यादा होकर के हमारा सेल्फ वैल्यू होता है, सेल्फ वैल्यू पर हमारा बोनस आता है, यानी कि जितना अच्छे से, जितना ज्यादा पीवी बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा सेल्फ वैल्यू बढ़ेगा। तो इसको हमारे मार्केटिंग प्लान में ये चीज हमें समझना है ना, पीवी से हमारा प्रमोशन बढ़ता है और सेल्स वैल्यू से हमारा क्या बनता है, बोनस बनता है। जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते दोस्तों, तो आपको सबसे पहले है ना, जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं, आपने आपने 1000 पीवी बनाया, या अगर आप 1000 पीवी आपके आईडी पर बनता है, तो आप 6% पर होते हैं, ये आप हो सकता है आपको पहले से मालूम है, फिर भी आपको समझना है। हो सकता है आज इस वेबिनार में कुछ नए भाई बहन जुड़े हों, तो आपको ये भी समझ, जब आपकी पीवी 3000 हो जाती है तो 3000, तो आप 9% पर पहुंच जाते हैं या पहुंच जाते हैं। जब आपकी पीवी 10,000 हो जाती है, तो आप 12% पहुंच जाते हैं। जब आपकी पीवी 20,000 हो जाती है, तो आप 15% पर पहुंच जाते हैं। जब आपकी क्या नाम है पीवी है ना 32,500 हो जाती है, तो आप 18% पर, और वही पीवी जिस दिन आपकी आपके पूरे नेटवर्क का मिला करके 45,000 यानी कि 45,000 हो जाता है, तो आप 21 से 25% पहुंच जाते हैं। जी आपको समझना है ना। और जब आपका पीवी आपके पूरे ग्रुप से मिला के, इवन अकेले ही या पूरे ग्रुप का मिला के, जिस दिन 45,000 हो जाता, आपको पहला स्टेटस डीएक्शन में मिलता है, उस स्टेटस का नाम है स्टार, है ना, स्टार, स्टार पद, बहुत बड़ा है ना, शुरुआत आपका यहीं से होता है। इसके अलावा जब भी आपका डिफरेंट डिफरेंट तीन लाइन में, यानी कि अलग अलग लाइन में, तीन लाइन में आपने स्टार बना दिया, तो आप बन गए क्या, स्टार रूबी। स्टार रूबी का मतलब आपके अलग अलग लाइन में है ना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मेरी अंगुली है, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, ये तीनों अंगुली डिफरेंट है, ऐसे ही एक अंगुली, यानी कि एक लाइन का 45,000, दूसरी लाइन का 45,000, तीसरी लाइन का 45,000 अगर होता है, तो आप बनते हैं स्टारूबी। स्टारूबी बनने के बाद दोस्तों सबसे बड़ी खासियत है कि जब ये तीनों लाइन का आपका 60-60 हजार पीवी आ जाएगा, तो आपको स्टेटस के अलावा
आपको कंपनी से शानदार एक कैश रिवार्ड मिलता है, वन टाइम, इसको बोलते हैं ना मोबाइल हैंडफोन इंसेंटिव। और सबसे मजे की बात है, हम सैल्यूट करते हैं हम अपने डीएमआई मैनेजमेंट को, जिन्होंने 12,500 से उसको 15,000 यानी कि इंक्रीज कर दिया है। तो हम पूरे डीएमआई मैनेजमेंट को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को मिला था 12,500। अभी आपको, यस, आप अगर मीटिंग अटेंड कर रही हैं, आप अटेंड कर रहे हैं, अभी आप रूबी नहीं हुई है, अगर आप रूबी बनती हैं, रूबी बनते हैं, तो आपको 15,000 मोबाइल का इंसेंटिव आएगा। आपका जो जितना इनकम उस महीने का रहेगा, उसमें 15,000 जोड़ करके। तो ये इसको समझना, स्टार रूबी, तीन अलग अलग लाइन को स्टार बनाने से। उसके अलावा अगला जो हमारा स्टेटस है, वो 6 अलग अलग लाइन में जब आप स्टार बना देते हैं, तो आप बन गए क्या, स्टार डायमंड। स्टार डायमंड डीएक्सएल में शुरुआत का एक अच्छा स्टेटस है, यहीं से आपके इनकम की ग्रोथ होती है। उसके बाद जिस दिन आपके डिफरेंट डिफरेंट लाइन में, यानी कि 20 अलग अलग लाइन में आपके डायमंड हो जाते हैं, यानी कि 10 और 10, 20 अलग अलग लाइन में, वो चाहे एक के नीचे कैसे भी हो, बस है ना, डिफरेंट डिफरेंट लाइन में अलग अलग हो, 20 लाइन के लोग स्टार डायमंड हो जाते हैं, तो आप बन जाते हैं क्राउन अम्बेसडर। और क्राउन अम्बेसडर के बाद कितना फ्रीडम, कितना एंजॉय मिलता है, आप बहुत सारे हमारे इंडिया के टॉप क्राउन अम्बेसडर को देख सकते हैं। हम सैल्यूट करते हैं हमारे इंडिया के फास्टेस्ट क्राउन अम्बेसडर, यंग क्राउन अम्बेसडर, हमारे आदरणीय भरतगढ़ सर, मैं सैल्यूट करता हूं। और जिनको देख करके, जिनसे मैं इंस्पायर हमेशा होता हूं, हो रहा हूं, और फ्यूचर में भी होता रहूंगा। तो ये स्टेटस आपको क्राउन अम्बेसडर का मिलेगा, जब आपके 20 लाइन में डायमंड बनेंगे। दोस्तों ये सारा चीज, यानी कि स्टार बनने में, रूबी बनने में, डायमंड बनने में, क्राउन अम्बेसडर बनने में, हेल्प किसने किया, हेल्प किसने किया, आपका पीवी यानी कि पॉइंट वैल्यू ने हेल्प किया। पीवी मिलता कहां से है और कैसे मिलता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। जी हाँ, पीवी कहां से मिलता है और कैसे मिलता है। सबसे पहले पीवी मिलता है जब आप कोई भी डीएक्सएल का प्रोडक्ट खरीदते हैं। आप एग्जाम्पल, आपका रेसिगेनोटी की मैं बात करूं, हमारा चाय जब आप खरीदते हैं, तो एक डब्बे चाय पर एक 135 है ना, 135 पीवी हमको आपको मिलते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि 135 पीवी आपको मिलेगी, इसका हमारा रेट लिस्ट आता है ना, इसका रेट लिस्ट यानी कि प्रोडक्ट का दाम का लिस्ट होता है, कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का मिलता है, एमआरपी रेट से कितने रुपए का बिकता है ना, कितने रुपए का आपको कार्ट पर मिलता है, और साथ में उस पर कितनी पॉइंट वैल्यू है, और साथ में उस पर कितना सेल्स वैल्यू है, वो आपको रेट लिस्ट में मिलेगा। तो जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे, अगर आपके पास रेट लिस्ट नहीं है, तो अपने अपलाइन से बात करके आप रेट लिस्ट आप जरूर रखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट आपके पास अपना रखना पड़ेगा। और अगर आपका 1,000 पीवी उसी महीने आप कर लेते हैं, तो आप बोनस लेने के योग्य हो जाते हैं, यानी कि हमारा बोनस आना शुरू होता है जब आपके आईडी पर 1,000 पीपीवी, पर्सनल पॉइंट वाले, यानी कि आपके आईडी पर जब खरीदारी होती है, तो आप बोनस लेने के योग्य हो जाते हैं। यही पर आपको एक और क्वालिफिकेशन मिलता है कि जैसे आपका 1,000 पीवी होता, अगर आप नई हैं, अभी रिसेंट में ज्वाइन की हैं या ज्वाइन की, जैसे ही आपका 1,000 पीवी हो जाता है, आपको बोनस लेने के आप हकदार हो जाते हैं। न केवल बोनस लेने के, जैसे आपका 1,000 पीवी होता है, आप स्पॉन्सर करने के हकदार होते हैं, यानी कि अपने साथ आप लोगों को ज्वाइन कराने के हकदार हो जाते हैं। तो अब सवाल है कि ये पीवी तो आप समझ गए, लेकिन पीवी करें तो कैसे करें, है ना, पीवी करें तो कैसे करें, यानी कि पीवी आती कहाँ से है। सबसे पहले पीवी आती है प्रोडक्ट को खा करके, प्रोडक्ट को खा करके, यानी कि जब आप अपने खुद खाते हैं, खरीदारी करते हैं, अपने पॉकेट से पैसा लगा के कंज्यूम करते हैं, तो आपको कंज्यूम करने में भी आपको पीवी मिलते हैं। सेकंड चीज, इसका फायदा लोगों को बता करके, यानी कि दो तरीके से आप खाते हैं, वहां से भी मिलती है, और अपने कार्ट पर जब वो प्रोडक्ट लोगों को बताते हैं, लोग खाते हैं, तो उनसे भी आपको क्या मिलती है, पीवी। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज ये भी समझना है कि पीवी बनाने का कई तरीका है, पीवी बढ़ाने का कई तरीका है, लेकिन बहुत सारे लोग है ना मार्केट में पीवी है ना बनाने का, लोगों ने कुछ गलत तरीका अपना लिया, इसको आपको हमको बहुत ध्यान से समझना है। पीवी बढ़ाने का जो गलत तरीका है, पहला तरीका है झूठ को सच बोल करके गंभीर बीमारी का इलाज करना, यानी कि जो जो बातें झूठ है, उसको ऐसा माहौल बना के लोग बताते कि खाते ही आपका कैंसर खत्म हो जाएगा, आप सब कुछ दवाई बंद कर दीजिए, आपका शुगर लेवल हफ्ता के अंदर चुटकियों में आपका शुगर खत्म हो जाएगा, यानी कि ये बातें सच 100% झूठ है कि हफ्ता के अंदर आपका शुगर, आपका बीपी खत्म होगा, नहीं। तो ये झूठ की बातें को ऐसा माहौल बनाते हैं लोग कि एकदम सच बातें हैं, और ये बोल करके लोग पीवी बनाते हैं। तो ये तरीका रफ टफ है, प्लीज इलाज पर फोकस नहीं करें, बिका जावा, हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्रिवेंशन का प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट वेलनेस का प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट है। तो पीवी बढ़ाने का गलत तरीका झूठ को सच बोल करके, है ना, ये कभी नहीं करिए दोस्त। एक चीज ये भी याद रखना है, अगर आपने झूठ को सच बना करके आपने बताया, यानी कि किसी पेशेंट को आपने प्रोडक्ट दिया, याद रखिएगा, रोग बीमारी ठीक हुआ तो खाना बंद। आज इतिहास गवाह है कि पेशेंट ठीक हुआ
प्रोडक्ट खाया और खाने के बाद वो बंद कर दे। क्यों बंद कर दे? आप कहते रह गए कि आप खाइए, रिएक्शन है ये, बचने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन वो बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो हमारा आपका प्रोडक्ट खा रहा था एज ए पेशेंट, बीमार होकर के। अब बीमार आदमी ठीक होने के बाद कभी दवाई नहीं खाता, तो इस प्रोडक्ट को वो दवाई समझ के खा रहा था। तो रोग बीमारी ठीक हुआ तो खाना बंद, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? नया मरीज खोजना पड़ेगा। जिंदगी भर खोजते रहिए मरीज, नहीं ठीक हुआ तो भी खाना बंद कर देगा। यानी कि हर महीने आपको उतना पीवी लाने के लिए आपको रोज ये पागल परेशान बनना पड़ेगा। पेशेंट पर अगर काम करेंगे, आपको क्या करना है, यूजर बनाना पड़ेगा, रेगुलर यूजर, राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल करने वाला, हिमालय पिंक साल्ट इस्तेमाल करने वाला, ठीक है? हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट है, जितने भी नए नए प्रोडक्ट, जागरी है, इवन बहुत सारे डेली यूज के प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट को हमें कंज्यूमर बनाना पड़ेगा मार्केट में, और यूज करना है, और वही अनुभव लोगों को बताना है। आप अपना अनुभव आपको बताना, जो आपको फायदा किया है ना, वही आपको है ना बताना है। प्रोडक्ट डिटेल कितने लोग बता पाएंगे? जो खाएंगे वो बताएंगे। और ये भी याद रखना है, पीवी लाने के लिए सिस्टम को आसान कर दीजिए, बिना कुछ सीखे, ठीक है? वो भी कर दें, ऐसा कैसे होगा? यानी कि अगर आप नहीं सीख रही हैं, नहीं सीख रहे हैं, तो आप इस बिजनेस में कभी आगे नहीं जा पाएंगे। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों को बताना, तब जाके आपका काम आगे बढ़ेगा, है ना? यानी कि आपको यूज का मतलब आपको समझना है। जो आप खाती हैं, खाते हैं, वही अनुभव। यानी कि अगर आपको है ना डाइजेशन में आपको रिजल्ट मिला, वही, यानी कि ये स्टोरी टेलिंग का काम है। यानी कि आपको कहानी बताना, जो आपको प्रोडक्ट ने फायदा किया है, वही हूबहू स्प्रिना का मेडिकली कितना फायदा है, आपको सामने वाले को बहुत बताने की जरूरत नहीं है। आपको स्प्रिना ने क्या फायदा किया है वो आपको बताना है, मेडिकली कहाँ कहाँ उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, जितना भी कुछ है, ओके है, वेरी गुड, चाहिए, अब आपको बताना चाहिए। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में बताना, यानी कि जब आप अपनी स्टोरी बताएंगी बताएंगे तो आपकी बात को लोग सुनेंगे, समझेंगे, और आपके अकॉर्डिंग आप अपनी, आपकी कहानी जो होती है, आपकी कहानी से सामने वाला रिलेट करेगा। यानी कि उस सोचेगा, वो समझेगा कि अच्छा, ये प्रॉब्लम इनको भी था, ये समस्या थोड़ा बहुत इनको भी था, तो ये तो मुझे भी है। यानी कि जब ये खा करके ये ठीक हुए हैं, तो अगर ये मैं खाऊंगी या मैं खाऊंगा तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। तो आपको अपनी स्टोरी कहानी सुनाना है। और आपको मैं बताऊं, मानव स्वभाव क्या है, यानी कि ह्यूमन फितरत है ना, ह्यूमन बीइंग, मानव का नेचर क्या है, कि आदमी को जो चीज अच्छा लगता है उसके बारे में वो बताता ही बताता है, ठीक है? ये समस्या हर इंसान के अंदर है। समस्या आप समझिए, ये काबिलियत, क्वालिटी। आप अपना कपड़ा सिलवाते हैं, आपको टेलर अच्छा सिलता है, फिट रहता है, आप बोलते हैं, वो नहीं बोला कि आप हमारे दुकान का प्रचार करिए, फिर भी आप प्रचार करते हैं, बड़ा अच्छा टेलर, उसे क्या जाना। तो ये मानव फितरत है, जो आपको फायदा करेगा वही आपको इसके बारे में क्या करना है ना बताना है, ठीक है? बीमारी, बीमारी पर हमें फोकस एकदम नहीं करना है। और याद रखिएगा, पीवी कैसे बनाना है, खुशी खुशी बनाना चाहिए, ना कि रो रो करके। आज बहुत सारे लोग पीवी, हमारे अपलाइन, हमारे गुरुजी, या हमारे डीएमआई मैनेजमेंट, सभी लोग एक ही फोकस करते हैं, 1 तारीख को पीवी बनाना। लेकिन जब 1 तारीख को पीवी बनाने की बात आती है तो लोग रोते हैं, कैसे बनाए, पैसा कहां से आएगा? दोस्तों, खुश होकर के 1 तारीख को कपड़ा लत्ता एकदम ठीक ठाक एकदम पहन करके, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, जैसे भी है, को बढ़िया एकदम, जैसे आप मेला जाते हैं, जैसे आप शादी में जाते हैं, जैसे आप बर्थडे में जाते हैं, जैसे किसी फंक्शन में जाते हैं, है ना, दीदी के यहाँ जाते हैं, या आप अगर भाई साहब मेरी बात सुन रहे थे, जैसे आप ससुराल जाते हैं एकदम से तैयार होकर के, एकदम प्रिपेयर होकर के, बहन लोग जैसे आप मायके जाती हैं, कितना खुशी होता है 2 दिन पहले, पैकिंग सैकिंग एकदम, जाना है मायके, जाना है मायके, जाना है मायके। तो जितनी खुशी मायके जाने में आपको आपको रहता है, जितनी खुशी भाई साहब आपको ससुराल जाने में रहता है, जितनी खुशी आप पार्टी में, बर्थडे में जाने में रहता है, वैसे ही खुशी 1 तारीख को स्टार्ट पॉइंट पर जाकर के पीवी बनाने में होना चाहिए। जिस दिन इस खुशी से 1 तारीख को आप पीवी बनाना शुरू कर देंगे, आपका बिजनेस बहुत ग्रोथ करेगा। अब आपको समझना है आप कब करना चाहिए पीवी, वही जो मैंने आपको बताया। अगर आप बिजनेस करते हैं जी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको 1 तारीख को बनाना ही बनाना है। 1 तारीख को आप अगर अच्छा पीवी बनाते हैं तो महीने भर में आपका काम बहुत आगे जाता है। बिजनेस अगर करते हैं तो आपको 1 तारीख को पीवी बनाना है। जी हाँ, क्या करते हैं आप, बिजनेस करते हैं, और अगर खाली आप खाती हैं, खाते हैं, तो जब मन करे तब बनाइए, मन करे तो बनाइए, नहीं मन करे तो मत बनाइए। मैं तो कहूंगा, अगर आपको बिजनेस नहीं करना है, आप अमीर नहीं बनना चाहते हैं, आपको लाखों नहीं चाहिए रिएक्शन से महीने का कम से कम, आपको फॉरेन टूर नहीं चाहिए रिएक्शन से, आपको अच्छा घर नहीं चाहिए, आप जहाज पर बैठना नहीं चाहते, नहीं चाहते हैं, आपको अपना नाम नहीं चाहिए, पहचान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, तो आप 32 तारीख को भी बनाइए, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको इसका उल्टा, नाम, पहचान, शोहरत, इज्जत, एवरीथिंग, सब कुछ अगर आपको चाहिए, तो 1 से 2 नहीं होनी चाहिए। 1 तारीख को अगर बिजनेस करते हैं, तो 1 तारीख को आप पीवी बनाइए।
यूजर को यदि पीवी बनाने का प्रेशर देंगे तो वो प्रोडक्ट से नफरत करने लगेगा और आपको खाना आपका खाना भी बंद कर देगा। तो अगर कंज्यूमर आपके टीम में है, आप कंज्यूमर बनाई है, खाली खा रही है, खा रहा है, तो उसको प्रेशर मत दीजिए पीवी बनाने के। यहाँ सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत सारे लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, कोई कंज्यूमर होता उसको फोकस करते हैं, फोर्स करते हैं कि पीवी बनाता रहे, वो खा रही है महिला, वो खा रहा है पुरुष, उसको केवल खाने दीजिए। बिजनेस करता उसको आप सिखाइए 1 तारीख को पीवी बनाने का क्या बेनिफिट है। दोस्त अब क्यों करना चाहिए पीवी, ये भी आपको समझना है। पीवी कब करना चाहिए तो मालूम, लेकिन क्यों करना चाहिए भी आपको जानना पड़ेगा। यदि आपके मन में कोई सपना है, जो मैंने आपको बताया अभी कुछ सेकंड पहले, यदि आपके मन में कोई सपना है उसको पाने की इच्छा रखते हैं, तो ये पीवी आपके ड्रीम को है ना पूरा करने में क्या करेगी, मदद करेगी। क्या करेगी? आपको आपके ड्रीम पूरा करने में मदद करेगी। लेकिन पीवी कैसे आनी चाहिए? नेचुरल पीवी, नेचुरल पीवी, नेचुरल माने कंज्यूमर बना करके। एक अच्छा कंज्यूमर ही एक अच्छा नेटवर्कर होता है। आपको कंज्यूमर में भी छाटना है कि ये कंज्यूमर केवल केवल खाने वाला है, या इस कंज्यूमर को क्या नाम है अंदर ललक है कि यार कुछ पैसा भी आए, सो है ना अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, अलग से अगर उसके मन में ख्याल है, वो कंज्यूमर था लेकिन उसके मन में ख्याल आ रहा है ना साइड इनकम चाहता है, तो वही कंज्यूमर कल को नेटवर्कर भी बनेगा। तो आपको छाटना है आपको देख करके पता चल जाता है कि ये काम भी करने वाला है। तो पीवी कैसे आपका सपना पूरा करेगी, इसको आपको ध्यान देना है। दम पर नहीं, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता। मैं कितना भी अच्छा बोल ले जाऊं, कितना भी अच्छा मैं मीटिंग कर ले जाऊं, कितना भी अच्छा मैं कुछ कर ले जाऊं, यानी कि मैं कितना भी मैं जैसे लोग ना मैं नहीं हम, तो हम कैसे आप होंगे जब आपके साथ लोग रहेंगे, सिस्टम रहेंगे। अकेले आप मैं होते हैं, जब आपके साथ आपकी टीम होती है तो आप हम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हम बन जाते हैं। तो आपको सिस्टम के सपोर्ट से पीवी आते दोस्त, किसके सपोर्ट से? सिस्टम के सपोर्ट से। और सिस्टम कैसे होगा? पावर ऑफ डुप्लीकेशन के सपोर्ट से, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं 1 तारीख को अगर आप पीवी बना रहे हैं तो वही अपने टीम को सिखाइए, वही नकल। ये बिजनेस टोटल नकल का है, टोटल फोटो कॉपी का है। आधार कार्ड जितना क्लीन होगा उसका जीराक्स उतना क्लीन निकलेगा। स्कूल में जब आप नकल करते थे, नकल करती थी, तो डंडा मिलता था, मुझे भी मिला है, खूब मिला है। स्कूल में दोस्त नकल करते थे तो आपको डंडा मिलता था, मार मिलता था, लेकिन इस बिजनेस में अपनी अपलाइन का नकल करेंगे, अगर इस बिजनेस में सिस्टम का नकल करेंगे तो आप लखपति बन जाएंगे। तो नकल वहां भी करते थे, नकल यहाँ भी करना है, ठीक है? वहां करने से मार मिलता था, यहाँ करने से आप मिलेनियर बनेंगे, फॉरेन ट्रिप मिलेगा। तो आपको सिस्टम का आपको क्या करना है? नकल करना। सिस्टम क्या है? बस आपको खाली एक ही चीज फोकस करना है ना, हर महीने अपने साथ केवल एक लोगों को लेकर, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम फ्री होकर के, फ्री होकर के सिस्टम का नकल ये होनी चाहिए। कौन सा नकल? आप हैं, आप अगले महीने आप अपने साथ एक व्यक्ति को 1 तारीख को पीवी बनाने वाला सिस्टम, मिनिमम 3,500 3,500 पीवी बनाने वाला लाइए। अगले महीने आप हैं, आपके साथ एक है, दो हैं, हर व्यक्ति एक लेके आएगा, चार हो जाएंगे, ऐसे करते करते दोस्त है ना 8 हैं आपके, एक एक लोगों के साथ 8 आएंगे, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ऐसे दोस्त 12 महीने यानी कि 1 ईयर जाते जाते आपके साथ 4,096 लोग हो जाते हैं। 4,096 लोग देखने में तो बड़ा ज्यादा लगेगा, आपको लगे इतना कैसे होगा, इतने लोग कैसे हो पाएंगे, लेकिन दोस्तों ये डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन कैसे होता है? 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 516 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4000, ऐसे होता है डुप्लीकेशन। कितने तेजी से आपका ग्रोथ होने लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको हर महीने एक लोगों को लेके आना है, अगर ये करते तो आपका ग्रोथ बहुत जबरदस्त होगा। और हमेशा याद रखना है कि पीवी, आप जाने कि पीवी होता क्या है, लेकिन पीवी कितने प्रकार का होता है? कई प्रकार का होता है ना, कई प्रकार का होता है ना, जैसे है ना खाना भी कई प्रकार का होता है, हर चीज कई टाइप का होता है, ठीक है? लैपटॉप है, लैपटॉप भी कई प्रकार का होता है, एक एक डेल कंपनी का है वो अलग उसका तरीका है, एक एचपी कंपनी का उसका अलग तरीका है, एक एप्पल का मैकबुक है उसका अलग है, डिफरेंट डिफरेंट हर चीज डिफरेंट डिफरेंट। ऐसे हमारे बिजनेस में पीवी भी अलग अलग है। पीवी को समझना है, पीवी क्या है? सबसे पहले होता है पीपीवी, यानी कि आपके कोड पर जब आप खरीदारी करते हो उसको बोलते हैं पर्सनल पीवी। क्या बोलते हैं? पर्सनल पीवी, खुद की खरीदारी पर बनने वाला पीवी को पर्सनल पीवी बोलते हैं। और आपके टीम में जो व्यक्ति 6% से लेके 21% के बीच में है ना, वो पीवी जब बनता है, यानी कि स्टार से पहले की पीवी को बोलते हैं पीजी पीवी, पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू। यही पीवी आपको क्या क्या मदद करेगा, ये पीवी आपको कहां से कहां ले जाएगा, आने वाले स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा। अगली पीवी क्या होती है? जी पीवी, ग्रुप पॉइंट वैल्यू, है ना, पूरी टीम का मिला करके। एपी होती है डीजीपीवी, डायमंड ग्रुप पॉइंट वैल्यू, उसको बोलते हैं नॉन डायमंड पीवी, यानी कि जब आप डायमंड होते हैं
आप डायमंड कैसे होते हैं, आपको आपने पहले सुना है, जब आपकी सिक्स डिफरेंट डिफरेंट लाइन का 45 45 हजार पी हो जाता है तो आप डायमंड बन जाते हैं। लेकिन एक होता है डीजीपीवी डायमंड ग्रुप पॉइंट वन, वो कब होता है, जब आपके नीचे कोई डायमंड बनता है, जो आपके नीचे जो कोई डायमंड बनता है तो वो पीवी, वो आपकी डायमंड ग्रुप पीवी नहीं होगी, वो आपकी पीवी का, जो आपके नीचे कोई डायमंड उसको छोड़ करके आपके डिफरेंट लाइन में कोई स्टार है, डिफरेंट लाइन में कोई रूबी है, डिफरेंट लाइन में कोई एकदम फ्रेशर है, वो सब पीवी जितनी आती है ठीक है, वो सब पीवी कौन सी पी होती है, नॉन डायमंड पीवी। तो डायमंड के ऊपर सभी स्टेटस पर ये लागू होता है, इसको आपको समझना है। लेकिन उससे पहले आपको पीजीपी और डीजीपीवी समझना है दोस्त, यहीं पर सारा खेल है। जो पीवी पीजीपीवी के कैलकुलेशन को समझ गया, जो डीजीपीवी को कैलकुलेशन को समझ गया, आज वो टीएसआरपी क्वालिफाई कर रहा है, आज उसका स्टेटस इंक्रीज हो रहा है, आज उसका इनकम आ रहा है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपको जरूर बोलूंगा पीजीपी और डीजीपीवी को दोस्त जरूर समझिए, है ना, इसको बढ़ाना अगर आप सीख गई सीख गए तो कितना मैजिक हो जाएगा, आपको आगे देखना है। पर्सनल पीवी खुद इस्तेमाल करके या सेल करके, ये आपने पहले सीखा। पीजीपीवी कहाँ से बनता है, आपका खुद का पीवी होता है, और आपके टीम में जो स्टार नहीं होते हैं, यानी कि 6% से लेकर के 21% के बीच वाली जो पीवी होती है उसको बोलते हैं क्या, पीजीपीवी में काउंट होता है, आपका खुद का पीवी और नॉन स्टार पीवी, वो दोनों मिलाकर के पीजीपीवी होता है ना। और ये एक्टिव इनकम होता है। लेकिन एक चीज और समझना है, पीजीपीवी से आपको एक बोनस मिलता है, उसका नाम है स्टार ग्रुप बोनस। स्टार ग्रुप बोनस, जब आप स्टार होती हैं होते हैं, आपके नीचे कोई स्टार होता है तो आपका परसेंट बढ़ता है। तो आप स्टार, आपके नीचे कोई स्टार, उसका जो पीजी है ना, जो पीजीपी होगा, उसी पीवी का आपको क्या मिलेगा, है ना, स्टार ग्रुप बोनस। और एक होता है डीजीपीवी, है ना, डायमंड ग्रुप पॉइंट वैल्यू, इससे क्या मिलता है, डायमंड अब आप होते हैं, आपके नीचे कोई डायमंड होता है तो इसी पीवी से आपको लीडरशिप बोनस होता है। और लीडरशिप बोनस दोस्त, एक और बोनस जो पीजीपीवी से आता है, उसका नाम है स्टार डेवलपमेंट बोनस। यानी कि डेवलपमेंट बोनस को समझना है, ये कहां से आता है, पीजीपीवी से, पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू। आपके आपके नीचे एक व्यक्ति कोई स्टार है, क्या है, स्टार है, वो 25% पर है ठीक, उसके टीम में 50,000 पीवी आ रही है। आपकी अलग लाइन में कोई व्यक्ति, वो एक अभी फ्रेशर है, उसके ग्रुप से 10,000 पीवीआर है, तो आपको जो लीडर क्या नाम है डेवलपमेंट बोनस मिलेगा, वो इधर जो 10,000 पीवी आया है आपका पर्सनल, है ना, इसका पर्सनल पीवी और इसका नॉन स्टार पीवी मिला करके, ये जो 10,000 पीवी अलग लाइन से आया है, उस पर आपको डेवलपमेंट बोनस मिलेगा, ना कि इधर जो जो लाइन स्टार है उसका अगर 50,000 पीवी आ रहा है तो उस पीवी पर आपको डेवलपमेंट बोनस नहीं मिलेगा, अगर उसके नीचे कोई क्या नाम है स्टार हो गया तो। यानी कि ये हमें, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको एक ही चीज समझना है कि आपको डेवलपमेंट बोनस कहाँ से मिलता है, नॉन स्टार पीवी से। नॉन स्टार पीवी, जो पीवी स्टार में नहीं जुड़ रही है, वो पीवी नॉन स्टार। और लीडरशिप बोनस कहाँ से मिलता है, जो डायमंड है ना डीजीपीवी से। तो पर ये बातें, इस पर मैं क्यों थोड़ा डिटेल में फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बातें मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यही चीज आपको समझना है, पर्सनल पीवी और पीजीपीवी इसी को समझ गए हैं। लीडरशिप बोनस खूब आता है जब आपके नीचे कोई डायमंड बनता है ना, इसको बोलते हैं रेजिडुअल इनकम, यानी कि पैसिव इनकम, है ना, एक्टिव होता है एक पैसिव इनकम होता है, डेवलपमेंट बोनस भी पैसिव इनकम है। आपके नीचे दोस्त कोई क्राउन अम्बेसडर है ना बन जाएगा, याद रखना आप स्टार हैं, आपके नीचे कोई क्राउन अम्बेसडर बन जाएगा, पर ये लीडर आपका डेवलपमेंट बोनस कभी रुकेगा नहीं, ये आपको फिफ्थ है ना लेवल जनरेशन लेवल, आपको फिफ्थ लेवल तक हमेशा आता रहेगा, ये बहुत बड़ा बोनस होता है। जो इसको बढ़ाना सीख गया वही असली खिलाड़ी है, और उसी को असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, वही असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मालिक होगा। कौन, जो डेवलपमेंट बोनस कैसे मिलता है जान गया, लीडरशिप बोनस कैसे मिलता है जो जान गया, वही मजा करेगा आने वाले समय में। आपको समझना है, पीपीवी देखना का आपको मास्टर बनना है। ये पीवी कहां से आता है, ये पर्सनल पीवी और ये सब पीवी कहां से आता है, आपको ये देखने का क्या बनना, मास्टर, मास्टरी हासिल करना है। बहुत सारे लोगों का बहुत पीवी आ रहा है लेकिन उनको मालूम नहीं है देखा कहाँ से जाता है। दोस्त आप जो काम कर रही हैं कर रहे हैं उसका हिसाब किताब अगर आप नहीं देख रहे हैं, एक दुकानदार होता है वो सुबह से शाम तक दुकानदारी करता है, शाम को वो उसके गले में जितना अमाउंट होता है उसको कैलकुलेट करता है। एक दुकानदार होता है उसकी जितनी दुकानदारी होती है उसके रैक में उसका जो माल होता है, यानी कि प्रोडक्ट होता है, वो देखता है कि कितना सेल हुआ कितना बचा है, उसका हिसाब किताब उस वो लिखता है कॉपी में, है ना, कितना अमाउंट आज का कलेक्शन हुआ, कितना प्रोडक्ट स्टॉक में अभी है, कितना प्रोडक्ट बिक गया, यानी कि सेल्स एंड परचेज का इंक्वायरी वो दुकानदार करता है, हर व्यक्ति दुकान करता है। यहाँ आपके लिए, हमारे लिए, हमारी कंपनी ने एक शानदार रास्ता हमको आपको दे दिया है पीवी देखना का, उसका वो कौन सा जगह है, डिएक्शन ई वर्ल्ड, ई वर्ल्ड
जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, आप गूगल पर टाइप करेंगे डीएक्सएन एवर्ड, आप वहां जाइए, अपना आईडी नंबर डाल करके, मेल आईडी डाल करके, सब कुछ डाल करके आप साइन अप हो लीजिए। नहीं समय में आता, अपने अपलाइन से पूछिए कि होता है कैसे, क्योंकि इस बिजनेस में सिंपल अपने अपलाइन से पूछना है कैसे, सर पीवी कैसे देखूं, मुझे देखना नहीं आता। तो अपलाइन से पूछिए कैसे, अपलाइन बताएंगे देखो ऐसे, तो सीनियर से पूछिए कैसे, डाउनलाइन को बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। तो ये सिंपल 3 सेक्टर में कॉन्सेप्ट में ये बिजनेस है, हर चीज आपको अपना लाइन अपलाइन से पूछना। नहीं समझ में आ रहा है, पीवी देखने का आप मास्टर बन जाइए, कैसे कैसे देखा जाता है, अपना पर्सनल पीवी कैसे देखा जाता है, आपके टीम में करंट महीने यानी कि जुलाई महीने में किसने मिनिमम कितनी पीवी बनाई है, कहाँ से फिल्टर होता है, वो भी आपको समझना है। नई ज्वाइनिंग से कितनी पीवी आई है, कितनी आई है, वहां वो भी उसमें पता चलता है। यानी कि एक-एक चीज आपको सीखना है, एकदम रट्टू तोता जैसा रट लेना है, क्या करना है, रट लेना है। आप बहुत लोग कहते हैं मैं कैसे, मैं पढ़े लिखे नहीं हूं, आपको आप बेशक पढ़े लिखे नहीं, फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कहते हैं ना परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, एक अच्छा अभ्यास आदमी को परफेक्ट बनाता है ना, कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और असरी आवत जात है सिल पर परत निशान। दोस्त अगर आप पढ़े हैं तो ओके, नहीं पढ़ी हैं तो भी आप पूछिए, हम अपने नेटवर्क बताते हैं, आप इसको टच करेंगी ऐसे आएगा, इसके बाद ये जो ब्लू नीला वाला निशान है इसको 2 बार टच करेंगी तो ऐसे आएगा, इसके बाद यहाँ जाएंगी ये लाल वाला आएगा निशान ऐसे, मतलब ये क्योंकि आपको करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग गाँव के हैं, हम लोग रूरल इलाके में बिजनेस करते हैं, तो उनको वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, पर उनको भी तो देखना है, जब देखेंगे नहीं, देखेंगे तो उनका नेटवर्क कैसे ग्रोथ करेगा, तो उनको हम लोग ऐसे भी बताते हैं। तो आप भी अगर आपके टीम में पढ़े लिखे हैं तो आपको बताइए ऐसे ऐसे करना है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो आपको कोई भी निशान है ना ऐसे करना, क्योंकि जहां चाह है वहां राह है, काम करने वालों के लिए 1000 रास्ते हैं, पीवी देखने वालों के लिए 1000 रास्ते हैं, और बहाना बनाने वाले के लिए है ना बहुत सारा बातें बहाना में आएगा, तो बहाना नहीं बनाइए, आप पीवी देखने का मास्टर बन जाए। पहला जगह है वो डीएक्सएन एवर्ड पूरा ग्लोबल का, यानी कि अगर आपका पीवी इंडिया ही नहीं, आपका पीवी अगर फॉरेन से भी आया है, दुबई से आया है, सऊदी से आया, कतर से आया है, अमेरिका से आया है ना, किसी भी दूसरे देश से आया है, वहां का पीवी भी आपके कीवर्ड में दिखाएगा, बिकॉज़ ये इंटरनेशनल है। तो एक जगह पीवी है, वो इंटरनेशनल पीवी रिपोर्ट देखने का सिस्टम है, वो है डीएक्सएन कीवर्ड, वहां से जाके लॉगिन करके देखिए। दूसरा जगह है, वो जगह है ओबीएस पीवी लॉगिन, यानी कि जो हमारे इंडिया से गवर्न होता है, इंडिया से जनरेट होता है, हमारे डीएमआई मैनेजमेंट जनरेट करते हैं इसको, है ना, यहाँ से हमको पावर मिला है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखने का तरीका है। 500 हमारे है ना लगता है, 500 रुपया दे करके आपको साल भर का आपको मिलता है, साइन अप कर लीजिए, है ना, आपको आप साइन अप नहीं, आपको ऑलरेडी पासवर्ड मिल जाएगा, 500 रुपया दे देंगे कंपनी के अकाउंट में, आपको आपके बोनस जो ई वॉलेट सिस्टम होता है उसमें जाएंगे तो आपको पीवी रिपोर्ट एक ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप अपने पूरे टीम का देखिए। तो दो जगह से पीवी दिखता है, पहला जगह ईवर्ड से, सेकंड जगह ओबीएस लॉगिन से। तो आपको हर हाल में पीवी देखना है, जो पीवी देखने का मास्टरी हासिल नहीं किया उसकी कई लाइन चले उसको पता ही नहीं है, वो डायमंड बनने वाला उसको मालूम ही नहीं है, उसके नीचे एक ही लाइन चले और लाइन से पीवी ही नहीं आ रही उसको मालूम ही नहीं, वो उसके 2 लाइन में डायमंड बनने वाले हैं, वो सीनियर डायमंड बनने वाला, पर उसको मालूम नहीं है, क्यों, बिकॉज उसको पीवी देखने के बारे में मालूम नहीं है। तो अपने सीनियर से पूछता है सर कैसे, मेरा स्ट्रक्चर बताए, मेरा स्ट्रक्चर बताए, सीनियर बोलते हैं अरे आप देख लीजिए। तो आपको सीखना हर एक चीज, आपको सोचना है कि जो नहीं आता वो मैं सीख लूंगी या मैं सीख लूंगा, जो आता है वो काम मैं कर लूंगा, मैं सिखा दूंगी लोगों को, सिखा दूंगा, अगर आपको आता है पीवी देखना आपको अपने टीम वालों को सिखा देना है, नहीं आता है तो आपको बोला नहीं आता तो मैं सीख लूंगा, लेकिन ये बहाना नहीं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आपको बहाना नहीं बनाना, हर हाल में पीवी रिपोर्ट देखने का आपको क्या बनना है, मास्टर बनना है। याद रखिएगा दोस्त, ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग है, पर ये डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं है, ये डायरेक्ट परचेजिंग है, जब आपके आईडी पर, ये सेल्स एंड मार्केटिंग का बिजनेस है, डायरेक्ट है ना, सेल्स एंड मार्केटिंग यानी कि खरीद और बिक्री, ये यहाँ ये इंश्योरेंस वाला काम नहीं है कि कोई इंश्योरेंस होता है, पॉलिसी होता है, बीमा होगा, इतना बीमा बिकेगा, आप इतना बीमा कराएंगे तो आपको इसके बदले कमीशन मिलेगा, नो, ये सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स माने बेचना, मार्केटिंग माने प्रचार करना, तो दोनों होना चाहिए, जब खरीद और बिक्री आपके आपके माध्यम से अच्छे से होगा, आपके टीम के माध्यम से अच्छे से होगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट लाइन से जब खरीद बिक्री अच्छे से होगा तो आपका पैसा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, इसको हमेशा याद रखना है। तो मैं अपनी बात को थैंक यू बोल रही, उसके पहले हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतना बड़ा रास्ता हम लोगों को मिल चुका है डीएक्शन के रूप में,
जी हाँ, डिरेक्शन के रूप में हमको इतना बड़ा रास्ता मिल गया है। हमें सबसे पहला फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बनाना है, सिस्टम को फॉलो करना, अपने अपलाइन से बात है ना, हमेशा संपर्क में बने रहना है। तीन चीजें कभी भूलिएगा नहीं। कौन सी चीजें? सबसे पहला काम, सिस्टम को मजबूती के साथ आपको पकड़ के चलना है। 1 तारीख इस बिजनेस का सिस्टम है, 1 तारीख इस बिजनेस का सिस्टम है, 1 तारीख यानी कि सिस्टम में अगर आप रहेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर सिस्टम से हटे तो जैसे ना एक आग में है ना कोयला जलता है, कोयला जब उस कोयले को निकाल करके आग से आप बाहर कर देते हैं तो राख बन जाता है दोस्त, बोलना नहीं है उस वो कोयला दतकता है, लेकिन जब उसको निकाल करके आप बाहर कर देते हैं वो राख बन जाता है। लेकिन वही कोयला को फिर से पकड़ करके आप उसे धधकते हुए आग के समूह में डाल देते हैं, यानी कि सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं, वही कोयला फिर से धधकने लगता है। यानी कि जब तक वो सिस्टम में था तब तक वो जल रहा था, आग लगा था, और जैसे ही वो सिस्टम से हटा वो राख बन गया। दोस्त सिस्टम को पकड़ के चलिए, सिस्टम ही भगवान है, सिस्टम की पूजा करिए, सिस्टम ही सब कुछ है, सिस्टम से चलिए। और साथ में अपने अपलाइन की बात को मानिए जो आपको सिखाते हैं, एक्टिव अपलाइन और सिंगल गुरु है ना, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे सिखाने वाले, सीखिए जो आप जिनसे आपका पटता है, जो आपको सिखाते हैं सीखिए, पर अपलाइन गुरु एक को बनाइए है ना। क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी जीने का असली मजा तब है जब आपके अपलाइन आपके गुरु आपके साथ है, क्योंकि दुनिया आपको जीतने नहीं देगी पर आपके गुरु कभी आपको हारने नहीं देंगे। तो अपलाइन की बात को मानिए, और एज ए लीडर, ये बिजनेस लीडर है डुप्लीकेशन, ये आपको याद रखना है, लीडरशिप संभालना है ना, क्योंकि यहाँ बोनस पीवी से आता है, बोनस पीवी से आता है, लेकिन पीवी स्ट्रक्चर से कैसे बनेगा, पीवी डिफरेंट डिफरेंट कैसे लाइन से कैसे आएगा, पीजी पीवी क्या होता है ना, डीजीपी भी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको सीखने के लिए आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा, और लीडर लीडरशिप आपको संभालना पड़ेगा। लीडरशिप मतलब रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार, लीडरशिप यानी कि अगुवाकार, आपको रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार बनना है और आपके टीम में लोगों को जिम्मेदारी देना है। याद रखना है दोस्त, जिम्मेदारी ली जाती है लेकिन जिम्मेदारी हमेशा के लिए ढोई नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है और जिम्मेदारी ट्रांसफर की जाती है। ये बिजनेस लीडरशिप का आपको जिम्मेदारी लेना है और यही जिम्मेदारी अपनी अपनी टीम को आपको ट्रांसफर करना है। शानदार मिशन हम लोगों को मिल चुका है, हम हमारा प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट है, प्रोडक्ट में दोस्त कोई कमी नहीं है, डीएक्सन जैसा प्रोडक्ट कहीं है ही नहीं है ना। लोग कहते हैं मेरा भी प्रोडक्ट डीएक्सन जैसा है, पर डीएक्सन नहीं है, चुप रहो यार, डीएक्सन जैसा है बोल रहे हो पर डीएक्सन नहीं है। बहुत सारे लोग मिलते हैं हमको आपको, ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, हमारे मार्केटिंग प्लान जैसा, ठीक है, प्लान कहीं नहीं, सिंगल लाइन में, सिंगल लाइन से आपको पैसा आता है, लेकिन ये तो हमें मालूम है सिंगल लाइन से आता है, लेकिन सिंगल लाइन एक लाइन का पकड़ करके बैठना नहीं है, एक लाइन को पकड़ के नहीं बैठना है, एक लाइन से थोड़ा बहुत इनकम आएगा, लेकिन अगर आपको लाखों लेना है, आपको अपना ड्रीम पूरा करना है तो आपको स्ट्रक्चर पर काम करना है। तो प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट है, प्लान नंबर वन है, कंपनी हमारी नंबर वन है, पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुके हैं, हमारे सीईओ नंबर वन है, बहुत सारे कंपनी के मालिक एक हो सकता है एमबीए होंगे, बहुत सारा कोई ना कोई एजुकेशन लिए होंगे, लेकिन हमारे कंपनी के मालिक कौन है, साइंटिस्ट हैं। तो हमारा सब कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट बेस्ट है, कंपनी बेस्ट है, प्लान बेस्ट है, सीईओ बेस्ट है, अब आपको क्या बनना है, बेस्ट बनना है। बेस्ट बनने के लिए पीवी की गेम को आप समझ जाइए, लीडरशिप समझ जाइए, बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। और हम थैंक यू बोलते हैं हम अपनी कंपनी को कि हमारे इंडिया में हमारी कंपनी ने शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद कंपनी ने हम लोगों को ऑफर दिया है। वो कौन सा ऑफर है आपको मालूम है, 3ों महीना, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर 3ों महीना मिलाकर के पर्सनल पीवी 3,000 अगर बनाते हैं, और 3ों महीना आपको क्या होगा, हर महीना 10% एक्स्ट्रा पीवी मिलेगा, लेकिन यही 3ों महीना मिलाकर के जुलाई अगस्त सितंबर अगर आपका 12,000 हो गया तो आपको एक ट्राली बैग शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद मिलेगा है ना। तो ये 3ों महीने का, और अगला क्या स्कीम कंपनी ने हम लोगों के लिए ऑफर लाई है कि आपको पर्सनल पीवी मिनिमम 5,000 बनाना है, 3ों महीना मिलाएंगे, 5,000 मिला करके बनाएंगे तो आपका 5,000, 5,000, 15,000 होगा, लेकिन यही पीवी अगर आपका 3ों महीना मिला करके 18,000 हो गया तो आपको एक ट्राली बैग और एक पीठ का बैग, तो 5,000 पर ध्यान नहीं देना है, फोकस 6,000 पीवी, 6,000, 6,000, 6,000, और ज्यादा बनाइए तो वन ऑफ द बेस्ट है ना। तो जितना ज्यादा बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम लोगों को हमारा ध्यान वो 10% पर नहीं होनी चाहिए, हमारा ध्यान केवल ट्राली बैग पर नहीं होनी चाहिए, हमारा ध्यान दोनों पर होनी चाहिए, ट्राली बैग और पीठ वाला बैग। क्या गजब का नजारा होगा जब हम सभी लोग टीएसआईपी नहीं, हम सभी लोग रेजिडेंशियल कैंप में जाएंगे,
कपड़ा अलग अलग होगा, सब कुछ अलग अलग होगा, लेकिन हम लोगों के हाथ में ट्राली बैग एक कलर का एक जैसा लोगो हमारा डीएक्सएन का दोस्त, ट्राली बैग उससे महंगे महंगे भी मिलती है मार्केट में, लेकिन हमको प्यार है अपने लोगों से, डीएक्सएन के लोगों से। तो कितना अच्छा रहेगा जब हम सभी लोग डीएक्सएन इंडिया वाले एक साथ एक ट्राली बैग और अपना ट्राली बैग और अपना पीठ का बैग लेके चलेंगे, तो क्या शानदार नजारा रहेगा। सभी लोग, इसका नाम है लूट लो ऑफर, लूट लो ऑफर, ऑफर को लूटिए। और मुझे विश्वास है आप इस महीने स्कीम करें, क्योंकि ये महीना आगाज है और सितंबर का महीना अंजाम है। तो आगाज अगर होगा अच्छा तो अंजाम अच्छा होगा। इस महीने छूटा तो दोनों महीना करके कुछ नहीं होगा। यह महीना 6,000 रुपये बनाइए, अगर आपने बना लिया तो वेरी गुड, नहीं बनाए तो आप बनाइए। तो इसी के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, जिंदाबाद रहें। एक नारे के साथ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मैं अमरदीप मांझी अपने सभी गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं पूरे डीएमआई मैनेजमेंट को, हमारे यूपी पे मीटर रवि वर्मा सर, साथ में जितने भी हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, क्या नाम है, ये वेबिनार हमारे लिए रेडी किए थे, आप सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ, नमन करता हूँ। और इसी के साथ मैं अमरदीप मांझी अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से आपको थैंक यू बोलते हुए अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच डीएक्सएन, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। काफ़ी सरल शब्दों में आपने काफ़ी गहन जानकारी दी लोगों को, जिन्हों लोगों ने समझा, सुना, देखा, और जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव था, लोगों ने उसे समझा। जैसे कि आपने कहा कि सारे ही लोग अब मलेशिया या फॉरेन ट्रिप में एक तरीके का बैग लेके जाएंगे, क्योंकि स्कीम बहुत अच्छी है। सभी को 6,000 PV करना है, सभी को चेक करना है कि कितना PV बाकी है। अभी आज हमारी 17 तारीख हो गई है, लगभग आधा महीना हमारा जा चुका है, खत्म हो चुका है। जो बचे हुए दिन है, सभी लीडर, सभी मेंबर, सभी डिस्ट्रीब्यूटर अपना PV रिपोर्ट चेक करें। काफी अच्छी बात उन्होंने बताई कि किस तरीके से उसको देखना है। सब आप सभी को अपने अपलाइन से, अपने लीडर से, मैनेजमेंट से, किसी से भी, जहां से भी आपको जानकारी मिले वो लेनी चाहिए। और चूंकि करना आपको ही है, सीखना आपको ही है, जितना जल्दी आप सीखेंगे बिजनेस में उतना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। चीजों को समझिए, चीजों को सीखिए, ऑफर बहुत सारे हैं, और जितना जल्दी हो सके अपना क्वालिफाइंग PV जो जरूरत है करने के लिए, आपका बैग और ट्रॉली बैग लेने के लिए, सिर्फ ये ऑफर बैग और ट्रॉली बैग के लिए मत करिए, इसको एक आदत बना लीजिए कि आपको तो इतना करना ही है। जिस दिन आपकी ये आदत बन जाएगी, उस दिन आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका बिजनेस बूम करता है। तो अभी ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए हैं ऑलरेडी। और जो जिनका PV अभी कम है, वो निश्चित ही अपना PV रिपोर्ट चेक करेंगे, देखेंगे, टीम का रिपोर्ट देखेंगे, और जितना जरूरी PV है वो करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे विदा लेंगे और कल फिर मिलेंगे एक बेहतरीन स्पीकर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और आज के लिए धन्यवाद, आप सब जुड़े रहे। मैं मांझी सर का एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से समझाया काफी अच्छा था, और हम यहीं पे मीटिंग वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच गुरु, थैंक यू, थैंक यू।